हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार मुझसे गलती हो गई कि मैंने फैमिली मैन सीजन 2 को अंडर एस्टिमेट किया। सर सीरियसली यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में जब भी कोई सीजन 1 का सीजन 2 बनता तो वो एकदम पैथेटिक होता है, लेकिन इस बार राज एंड डीके ने ये प्रूव कर दिया कि भाई कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। भाई कोशिश करो तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और इस बार लोग ने जो सीज़न 2 बनाया है, अगर सीज़न 1 20 है तो भाई ये 25-50 है। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इंडिया का 2021 की वन ऑफ दी बेस्ट इंडियन सीरीज़ में से एक होगी द फैमिली मैन सीज़न 2। हर एक सिचुएशन को इतना डिटेलिंग में इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। साला 9 एपिसोड से और हर एक एपिसोड 33 मिनट से लेके 1 घंटे के है, फिर भी भेंडी एक मिनट के लिए भी आपको बोर फील नहीं होता है। और अगर शो के प्लॉट की बात करो तो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल रिबेलियंस और पाकिस्तान वाले मिल के कुछ एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिस प्लान को श्रीकांत और उनकी टीम को रोकना है। अब आप लोग बोलोगे श्रीकांत तो यार इस टीम में नहीं है ना, वो तो रिटायर ले चुका है। तो यस, वो रिटायर लिया, लेकिन रिटायर लेने की वजह उसकी फैमिली है या कुछ और, वो भी आपको ये शो में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। उसके बाद शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो श्रीकांत और जेके यानी कि मनोज बाजपेयी और शारी वाजपेयी, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है यार, आपको बीच में हंसाते भी रहेगी और थोड़ा बहुत इमोशनल भी करेगी। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा। और अगर समानता के कैरेक्टर की बात करूँ एज राजी, यार उस कैरेक्टर को इतना गजब का लिखा, मतलब एक ऐसे साइलेंट सोल्जर हमें नज़र आई है जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ कर डालती है यार। और समानता ने अपने उस रोल को इतना गजब का निभाया, समझ लो कि एक उसने मुर्दे में जान डाल दी हो यार। मज़ा आ गया समानता के रोल को भी देखकर। और मनोज बाजपेयी सर तो एज यूजुअल यार, उनका प्रेजेंस ही काफ़ी होता है। और जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, जिस तरह से वो गाली भी देते, तो वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। और मनोज बाजपेयी सर के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि इंडिया में बहुत ही फ्यू टैलेंट्स हैं और उन टैलेंट्स में से एक है मनोज बाजपेयी। और शारी वाजपेयी जिसने बहुत ही अच्छा काम किया यार, सीज़न 1 में भी उन्होंने काफ़ी इंप्रेसिव काम किया था और सीज़न 2 में भी उन्होंने बहुत ही फाड़ू काम किया। उसके अलावा रिया मणि और जितने वो चाइल्ड एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से का रोल को अच्छी तरह से निभाया। और सनी हिंदुजा यानी कि हमारे वो संदीप भैया एस्पिरेंट्स वाले यार, उनके कैरेक्टर को जो डेवलप किया और जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई है, एक बार फिर से सनी हिंदुजा आपका दिल जीत लेंगे एज मिलिंद हिंदुजा इन दिस सीरीज़। उसके अलावा शो में जो फैमिली ड्रामा, जो श्रीकांत का जो फैमिली उनकी वाइफ के साथ उनके बच्चों का जो तड़क भड़क चलता है ना, वो चीज़ भी मतलब आपका कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट बनाया रहेगा। साथ साथ शो में मेन प्लॉट के अलावा कुछ सब प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक भी सब प्लॉट आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बेमतलब का डाला, सब एकदम परफेक्ट लगता है। कहानी इस पूरे शो की मेन जान है। और उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी, जितने भी एक्शन सीन्स है उसमें जिस तरह से कैमरा मूवमेंट हुआ है ना भाई, ऐसा फील होता है कि आप लोग वहाँ मौजूद हो। वो कैमरा का मूव करना यार, मैं लास्ट एक्सट्रैक्शन मूवी जो हॉलीवुड की रिलीज हुई थी ना, उसमें ये चीज़ फील हुई थी कैमरा एंगल, और वो सेम चीज़ आपको यहाँ फील होती है, ये हमारे इंडियन वेब सीरीज है। अब आप लोग सोच लो कि हमारे इंडिया में भी सिनेमेटोग्राफी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। वो लोग जो विजुअली अब जो हमें चीज़ें बताना चाह रहे हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ सीरीज़ में जो एक्शन सीन्स है स्पेशली एपिसोड 6 और लास्ट क्लाइमेक्स में, बहुत ही फाड़ू लगा यार। BGM की बात करो तो यार वो जो टाइटल ट्रैक में, वो तो यार हर टाइटल ट्रैक मैं एक्चुअली इसका सुना है, क्योंकि मुझे वो इसका BGM अच्छा लगा। डेफिनेटली वॉचेबल शो है। और यस, इसका सीजन 3 आएगा और मेकर्स ने यहाँ पर एंड में जो क्लू दिया है, तो इससे हम लोग यहाँ पर साफ कह सकते हैं कि इस बार जो कहानी सेट होने वाली सीजन 3 की, वो नॉर्थ इंडिया यानी कि नागालैंड। अब बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अब आप लोग शो देखो और आपको शो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि ये शो एडल्ट ऑडियंस के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको काफ़ी गाली गलौज सुनने को मिली, काफ़ी नहीं है मत, थोड़ी बहुत गाली गलौज है और कुछ वायलेंस की सीन्स है और एक दो जगह पर शायद किसिंग सीन है बस। तो आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, मैं कौन होता बताने वाला, मैं जो चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया। मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 out of 10। बाकी रिव्यूअर्स क्या बोलते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बहुत मस्त लगा। 10 out of 10, सुन लो भैरो, 10 out of 10। यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।